दोस्तों कल था दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जो मुकाबला खेला गया, मैं उसके हाइलाइट्स की बात करता हूं। टॉस जीतने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए। दिल्ली टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की और उसकी बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही। दिल्ली ने पहले ही चार ओवरों में अपने टॉप के चार खिलाड़ियों को पवेलियन वापस रास्ता नपवा दिया। उसके बाद कप्तान अय्यर और पंत ने किसी तरह से पारी की शुरुआत की। कल पृथ्वी साहब ने जो है 5 रन बनाए तथा हेडमायर ने ओनली 7 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापा। पंत और अय्यर ने 73 रन जोड़कर टीम को खड़ा किया। उसके बाद स्टोनिस का नंबर आता है और स्टोनिस जबरदस्त रनों की बारिश करते हुए छक्कों चौकों की मदद से दमदार पारी खेली और दिल्ली की टीम को 150 के ऊपर ले गए। दिल्ली की टीम, हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 157 रन कल बनाई थी और 157 रन ही पंजाब की टीम ने भी बनाया था। दिल्ली की टीम से स्टोनिस ने 21 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से दिल्ली को 150 के पार पहुंचाया। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से सबसे अच्छा जो है मोहम्मद शमी ने करतब दिखाया। 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर के 3 विकेट झटके। कॉटरेल ने 2 विकेट तथा बिश्नोई ने 1 विकेट लिए। दोस्तों पंजाब की टीम जब खेलने उतरी तो उसने भी 157 रन ही बनाया और उसके बाद दोनों टीमों में हुआ सुपर ओवर। सुपर ओवर में पंजाब की टीम पहले बैटिंग किया और 1 ओवर में 2 रन पर ही सिमट गई। दिल्ली के तरफ से रबाड़ा ने 2 रन दे करके 2 विकेट लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुपर ओवर में सबसे कम रन बनाने वाली किंग्स इलेवन पंजाब टीम बन गई जो 1 ओवर में ओनली 2 रन बनाया। जवाब में दिल्ली ने 3 ही गेंदों में 3 रन बना करके इस मैच को जीत लिया। तो दोस्तों ये था कल का हाईलाइट। आप हमारे साथ देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग और हम लगातार आपको IPL की सारी न्यूज़ दिखाते रहते हैं, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ज़बरदस्त न्यूज़ के लिए, जानकारियों के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के लिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।